तो दोस्तों इस वक्त हम है कोकोनट मास्टर इस स्टॉल पे आए हुए हैं, और यहाँ पे आप देखोगे तो जितने भी कोकोनट से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स है, तो नारियल से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स है ये बने हैं स्टॉल पे। ऑयल है, उसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आपको इतना नहीं बता सकूंगा। तो जो इस स्टॉल पे है मैं उनसे बात कर दो। आपका नाम बताइए। नमस्ते, मेरा नाम स्वप्ना अली कुणाल राणे। और इस स्टॉल के बारे में बताइए कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट स्पेशली है यहाँ लोगों के पे? लिए सब नारियल से तैयार किया हुआ प्रोडक्ट है। ये ड्राई कोकोनट है। ड्राई कोकोनट इन दिस सेंस मतलब क्या क्या चीज में यूज होता है ड्राई कोकोनट लोगों के? हम लोग जो घर पे जो वाटर वगैरह वो निकालते हैं ना, और इसमें कितने पीस है अभी? इसमें यहाँ 1/2 kg है, इसमें 7-8 kg होते हैं, 90 रुपीज। इसके अलावा ये कोकोनट चटनी है। ये क्या है? कोकोनट चटनी। अच्छा, कोकोनट, कोकोनट में चटनी भी बनती है। हाँ, तो ये ड्राई चटनी कोकोनट, ड्राई चटनी। और ये मसाले वाली है जो हिसाब से रेट दिख रही है, तो ये कितने दिन तक अच्छी रहती है? अगर कोई एक एक कस्टमर ये परचेस करता है तो कितने दिन? 10-15 दिन। 10-15 दिन अच्छा रहेगा। इसके अलावा? इसके अलावा है कोकोनट पीस। ये है अच्छा, जिसे हम कहते हैं थे किसले ला नारे, तो ये बेसिकली क्या यूज में आता है? ये हम लोग मतलब जो वाइट अप बनाते हैं और जो करंजी वगैरह उसमें यूज करते हैं, करंजी बनाने में, लाडू बनाने में। ये मतलब जो एक मेहनत होती है घर पे, जो नारियल को बारीक करना पड़ता है वो आपने उसको रेडी रखा है, उनको करने के लिए नहीं मिलता है, तो ये इसके लिए बहुत अच्छा। तो ये पैकेट में कितने दिन तक अच्छा रह सकता है? और पैकेट से बाहर निकलने के बाद 4 महीने रहता है इसके पैकेट के अंदर? 4 महीने। और पैकेट से निकलने के बाद? निकालने के बाद भी 4 महीने की। अच्छा, 4 महीने इसको रख सकते हैं। तो इसको अगर प्रिजर्व करना हो तो किस तरीके प्रिजर्व करना है इसको? फ्रिज, रेफ्रिजरेटर में? फ्रिज में, फ्रिज में प्रिजर्व करना। इसके अलावा और क्या प्रोडक्ट है आपके? इसके अलावा है कोकोनट बर्फी, ये शक्कर की है, ये कोकोनट बर्फी और ये कोकोनट मिक्स है इसमें, और इलायची। टर्न करा दला जरा। तो इसमें नॉर्मली कितने पीस होते हैं? इसमें 10 पीस होते हैं। 10 पीस है इसके अंदर। और ये प्रोडक्ट कितने दिन तक अच्छे रहते हैं? एक महीना रहता है इसमें। और ये गुड़ की है। ये कौन से? गुड़ का। गुड़ और खोबरा? गुड़ खोबरा और गुड़ खोबरा मिक्स है। गुड़ खोबरा इलायची मिक्स है। ओके, तो ये क्वांटिटी है मतलब छोटे क्वांटिटी में और ये ज्यादा क्वांटिटी में है? 1 kg। ये 1 kg का है। अच्छा, और इसके अलावा कोकोनट ऑयल, तो ये हेयर हेयर के लिए यूज करते हैं। अच्छा, ये बालों के लिए स्पेशली? अच्छा, और इस ऑयल की बात करूँ तो ये बिल्कुल प्योर ऑयल है? हाँ, प्योर ऑयल, शुद्ध गाने का तेल। नॉर्मली मार्केट में इतना प्योर अवेलेबल होता है या नहीं होता? जो ब्रांडेड आते हैं इतना प्योर नहीं होता, निकालते हम लोग, तो ये प्योर है। और इसका बेनिफिट क्या है लोगों को अगर ये यूज करते हैं? इससे हेयर ऑयल कम होते हैं, हेयर फॉल, मतलब महिलाओं के लिए स्पेशली है, और पैर भी में दर्द रहेगा तो ये यूज कर सकते। और खास बात ये कि ये प्योर है। प्योर। इसके अलावा कोकोनट पाउडर है, इसे क्या कहते हैं? कोकोनट, कोकोनट पाउडर। अच्छा, कोकोनट पाउडर मतलब ये बिल्कुल बारीक है। हाँ, मोदक बनाते हैं। इसकी क्या बेनिफिट है, क्या चीज में यूज होते हैं? मोदक बनाते हैं ना हम लोग, मोदक या भाजी भिजी बनाते हैं उसमें डाल सकते हैं, कोकोनट के अलावा ये डाल सकते हैं। ओके, इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट नहीं? अरे स्पेशली आपका जितना भी प्रोडक्ट है कोकोनट, ओनली कोकोनट प्रोडक्ट। कितने सालों से आप कर रहे हैं उसको? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए हैं। और अगर किसी लोगों को ये रिक्वायरमेंट है, अगर आपसे कांटेक्ट करना है, हाँ, तो आपका जिस भी नाम से आपका कोई फेसबुक पेज होगा या जो, हाँ, जैसे कांटेक्ट नाम बता दीजिए, कांटेक्ट नंबर बताइएगा। श्री कोकोनट प्रोडक्ट्स करके हमारा वेबसाइट है, मोबाइल नंबर है 8369530535। तो इस नंबर पे कांटेक्ट करने से किससे बात करनी पड़ेगी? स्वप्ना ली रानी। तो ठीक है, तो जितनी भी इसके अलावा जैसे कि महाराष्ट्र मुंबई में यहाँ पे अभी रिटेल है, लोग यहाँ पर आके ले रहे हैं, अगर कोई आउट ऑफ मुंबई है, हाँ, उनको अगर चाहिए या ऑल ओवर इंडिया, आप इसे प्रोवाइड कर सकते हो? दे सकते हो आप इसको? तो ठीक है दोस्तों, अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से वीडियो देख रहे हो, अगर आपको ये प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ये ऑल ओवर इंडिया आपको डिलीवरी करेंगे। रेट्स में इस पर डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि रेट्स की अगर जो भी बात है, आप डायरेक्टली जो प्रोडक्ट जो बनाते हैं आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, और आप इस बिजनेस जो भी आज बिजनेस है यहाँ पे जो लगा हुआ उसमें आप उनको सपोर्ट कीजिए। Thank you.